ओडिशा में चक्रवाती तूफान दाना ने कहर बरपा रखा है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना गुरुवार रात 12:05 पर ओडिशा के तट से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया और सुबह करीब 8:30 लैंडफॉल प्रोसेस इसका खत्म हुआ। बता दें आपको कि धीरे धीरे अब इसका असर कम हुआ है, लेकिन कभी भी बढ़ सकता है। दाना के असर से ओडिशा में लगातार बारिश हो रही है और साथ ही कई ऐसे इलाके हैं ओडिशा के जहां पर बारिश रुकी नहीं रही है, जिसमें कि भद्रक केंद्रपाड़ा में 30 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश का अनुमान है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया है। कई इलाकों में पेड़ उखड़ने की तस्वीर आई है, गाड़ियां डैमेज हो गई हैं। लेकिन आप एक चीज जरूर सोच रहे ये होंगे कि आखिर इस तूफान का नाम दाना क्यों है, ये दाना शब्द आया कहां से है। तो आपको बताते हैं कि आखिर अर्थ क्या है इस तूफान के नाम का। दाना नाम सऊदी अरब ने दिया है, इसका मतलब उदारता होता है। अगर किसी आंधी की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है तो इसे एक विशेष नाम देना बहुत जरूरी होता है। और यही तूफानी हवा अगर 137 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचती है या पार हो जाती है तो इसे चक्रवाती तूफान कहते हैं। चक्रवात दाना को ये नाम सऊदी अरब ने दिया। दाना एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है उदारता। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक दाना का नाम कतर ने सुझाव दिया था। साल 2000 में WMO ESCAP यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के तहत चक्रवातों के नामकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है। शुरुआती दौर में केवल 8 देशों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया था, जिनके नाम बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड है। हालांकि 2018 में 5 और देश ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। तो ये वो तमाम ऐसे देश हैं जो तूफानों के नाम रखते हैं। एक बात और, देशों को चक्रवात का नाम तय करने के लिए कड़े नियमों का भी पालन करना होता है। इस दौरान देशों को इस बात का ध्यान रखना होता है कि उनके द्वारा सुझाए गए जो नाम है वो किसी भी राजनीतिक हस्ती, धार्मिक या किसी भी विवादास्पद प्रकृति की किसी भी चीज से जुड़ा या जुड़ी ना हो। कोलकाता और भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। फिलहाल इस तूफान के बाद कई सारे फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए गए थे। कोलकाता से पहली फ्लाइट सुबह 8:40 पर रवाना हुई तो रेलवे ने कहा कि कैंसिल ट्रेनों को छोड़ दें तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल जाने वाली बाकी ट्रेनें शेड्यूल के हिसाब से ही चलेंगी। इससे पहले भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट पर गुरुवार शाम 5 से शुक्रवार सुबह के 8 तक 300 फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया। तो वहीं साउथ ईस्ट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की 552 ट्रेनें रद्द की गईं। ओडिशा के अलावा तूफान का असर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन तमाम ऐसे राज्यों में जो है दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 83,000 लोगों को रिलीफ कैंप में पहुंचाया। अब आप दाना तूफान की और दाना से जुड़ी ये 8 तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि दाना तूफान ने किस कदर कहर बरपा रखा है। कहीं पेड़ गिर गए हैं तो कहीं पर हाई टाइड की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री से पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत की है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कंट्रोल रूम में रहकर जायजा लिया कि मौजूदा समय में तूफान की क्या स्थिति है। ओडिशा के हालात पर प्रधानमंत्री की नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से फोन पर बात की और हाल भी जाना कि ओडिशा के क्या हालात हैं। साथ ही पीएम ने ओडिशा में चक्रवात दाना से निपटने की तैयारियों को लेकर मांझी से बातचीत की, चर्चा की। तो उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम मांझी से बात की और ओडिशा को मुश्किल हालात में हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। ओडिशा ने नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ओडिशा डिजास्टर रिलीफ फोर्स और फायर ब्रिगेड की 288 टीमें तैनात कर दी हैं। ओडिशा सरकार की तरफ से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। इसके अलावा आज बहुत सारे ऐसे संस्था हैं जो बंद रहेंगे।
बता दें कि मुख्यमंत्री मांझी ने हाई लेवल की मीटिंग भी बुलाई थी और तूफान से निपटने के लिए तमाम तैयारियों की समीक्षा भी की। दाना का असर सिर्फ ओडिशा में ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों पर भी दिखाई दे रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया। चलिए अब आपको एक बार फिर से बताते हैं कि कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर इसका असर पड़ रहा है। सबसे पहले तो ओडिशा ही। ओडिशा के 30 में से 14 तटीय जिलों में तूफान का व्यापक असर दिखा। IMD ने 26 अक्टूबर तक अंगुल, नयागढ़, बालेश्वर, मयूरभंज, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, केंदुझार, जाजपुर, कटक और ढेंकनाल, खुर्दा, गंजम, इन तमाम जिलों में, पुरी में भी बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। तैयारी के तौर पर NDRF के साथ साथ ओडिशा की भी जो डिजास्टर टीमें हैं OTRF वो मौके पर मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। 6000 से ज्यादा राहत शिविर बनाए गए हैं। कई होटल्स की जो बुकिंग कर रहे थे पर्यटक, फिलहाल उन्हें रोक दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में इसका क्या असर दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना में बहुत भारी बारिश हो रही है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली और झारग्राम में भारी बारिश हो रही है। तैयारी के तौर पर पश्चिम बंगाल के 8 जिलों दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, बांकुरा, हुगली, हावड़ा और कोलकाता में 23 से 26 अक्टूबर तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राज्यों में 85 राहत टीमें तैनात कर दी गई हैं। तो ये दो ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा असर है। इसके अलावा इसका असर जो है आंध्र प्रदेश में भी दिखाई देगा। आंध्र प्रदेश के रायल सीमा क्षेत्र में भारी बारिश के साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली हैं। तैयारी के तौर पर आंध्र प्रदेश में NDRF की 9 टीमें तैनात कर दी गई हैं। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में भी इसका असर नजर आ रहा है। यहां पर अलग अलग इलाकों में जो है व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है और साथ ही इसके दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा में बारिश का अनुमान जताया गया है। तैयारी के तौर पर झारखंड में NDRF की 9 टीमें तैनात कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसका अच्छा खासा असर नजर आएगा। मौसम विभाग ने गुरुवार को 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। 27 अक्टूबर तक कहीं कहीं पर बौछारें पड़ सकती हैं। 25 और 26 अक्टूबर को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तैयारी के तौर पर छत्तीसगढ़ में भी NDRF की एक टीम तैनात की गई है। बिहार में भी असर इसका दिखाई देगा। तो बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, नवादा, गया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज में इसका अच्छा खासा असर दिखाई देगा। कई जिलों में 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। आखिर में बात करें अगर तमिलनाडु की, तो यहां भी IMD ने दक्षिण भारत के तमिलनाडु और पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की है कि यहां भारी बारिश हो सकती है। तो फिलहाल दाना तूफान का असर कितना है, वहां के हालात क्या हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। तूफान का जो इफेक्ट अभी मिल रहा है यहाँ पे, ये छवि देख के ही हम लोग बोल सकते हैं जो कितना तेज यहाँ पे टाइड्स हो रहे, हेवी टाइड्स हो रहे। जैसे प्रशासन सदा तत्पर है, ये कल से ही हम देख रहे थे। प्रशासन की तैयारी थी, प्रशासन की तैयारी है और अभी जो तेज हवा चल रही है इसके साथ साथ वेदर अपडेट बोल रहे हैं कि दाना तूफान के कारण उसका इफेक्ट, लैंडफॉल तो हो चुका है लेकिन उसका इफेक्ट अभी तक रहेगा और इसीलिए भारी बारिश होगी। अभी तो तेज हवा चल रही है लेकिन उसके साथ साथ भारी बारिश भी शुरू हुआ है। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, कभी ज्यादा बारिश हो रही है। लेकिन और एक चीज दिखाना चाहेंगे, जो टूरिस्ट लोग हैं सुबह से यहाँ 5 बजे से टूरिस्ट लोग सब आ रहे हैं और वहाँ प्रशासन की तरफ से माइकिंग किया जा रहा है कि ये जगह खाली किया जाए, इसीलिए प्रशासन की तरफ से बैरिकेड किया गया है। वो बैरिकेड के उस पार से टूरिस्ट लोग अगर कुछ दिखना चाहे तो दिख सकते हैं। वो लोग बोल रहे हैं बार बार कि हम लोग ये समुद्र को देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से प्रशासन की तैयारी है। देखा आपने, फिलहाल स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। धीरे धीरे ये तूफान अपना असर बाकी राज्यों में भी दिखा रहा है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि जब तूफान आए तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो घर से बेवजह आप बाहर मत निकलिए
और साथ ही टॉर्च, मोमबत्ती जैसी चीजें अपने पास जरूर रखिए। इनका स्टॉक होना बहुत जरूरी है। सेफ जगह रुकिए, कोशिश यही कीजिए कि पेड़ या किसी पुरानी इमारत के नीचे आप ना हो, किसी लोहे के खंबे के पास आप ना हो। इसके अलावा किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट के पास अगर आप हैं तो वहां से फौरन आप चले जाइए, क्योंकि तूफान और भारी बारिश में इन चीजों के पास रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। दाना कहाँ से आया, दाना का नाम दाना कैसे पड़ा और ये तूफान चक्रवाती क्यों कहा जा रहा है, ये हमने आपको बताया। और लगातार तूफान से जुड़ी अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।